नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड आलू। इसके लिए हमें चाहिए मीडियम साइज के दो छीले हुए आलू, सरसों का तेल, लाल मिर्च पाउडर, साबुत जीरा, हल्दी पाउडर और नमक। इसके लिए सबसे पहले हमें आलू को सही शेप में काटना होगा, जैसे कि पहले हम इसे मोटे मोटे चिप्स में काटेंगे। अब इन चिप्स को हम छोटे छोटे पतले पतले टुकड़ों में काट लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आलू को सही शेप्स में काट लिया है। कुछ कुछ ये फिंगर चिप्स जैसे दिखते हैं। अब हम इन्हें साफ पानी में वॉश करके ड्रेन कर लेंगे। अब हम गैस को ऑन करके इसके ऊपर पैन रखेंगे। जब ये पैन थोड़ा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। इस सरसों के तेल को हम बहुत अच्छी तरह गर्म करेंगे, जब तक कि इसमें से धुआं ना निकलने लगे, जिससे कि इसकी महक निकल जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जब ये जीरा चटकने लगे, अब फ्लेम को कम करके हम इसमें आलू डालेंगे। इस आलू में हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसे अच्छी तरह से चला के ढक देंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा फ्लेम बिल्कुल धीमा हो, जिससे कि धीमे धीमे ये आलू पक सके। लगभग 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटा के आलू को चलाएंगे। और इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर ढकते हुए हम तब तक पकाएंगे जब तक ये आलू आधे से ज्यादा पक ना जाएं। जब ये आलू कुछ सॉफ्ट से लगे तो हम इसे काट के देख लेंगे ये आधे से ज्यादा पके हैं या नहीं। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारा आलू बहुत इजीली कट गया है। अब इसे ढकने की जरूरत नहीं है, अब हम इसे खुला ही फ्राई करेंगे और फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब हमारे आलू रेड गोल्डन से हो गए हैं। इन्हें हम एक बोल में निकाल लेंगे। ये हो गए हमारे फ्राइड आलू तैयार। इसे हम स्नैक्स की तरह, पराठे के साथ या दाल चावल किसी भी खाने के साथ खा सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे हमारा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे